हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेट लाइफ अंकित मिश्रा और दिस इज साइनिंग ऑफ अंकित मिश्रा फ्रॉम फर्स्ट ईयर और ये अपना ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान इन रशिया। अब आपको मैं पूरा रिव्यू दूंगा, आइए। अब तो आ रहा सबा सा रही बारात करना है। जैसा कि अपना कॉलेज शुरू हो रहा है, ये अपना मेन कैंपस है और यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे उज़्बेक और अपना किर्गिज के यहाँ लोकल बच्चे और इंडियन बहुत सारे आते हैं। आइए चलते हैं। आज बुरारी रिवर है ये अपना और ये देख सकते हैं जैसा ये कैंपस है, मेन कैंपस है अपना और ये मेडिकल क्लिनिक जो आप दूर से देख रहे हैं आप, ये मेडिकल क्लिनिक है और यहाँ पे ही मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं और उसके पीछे IMF है। आइए मैं रिव्यू देता हूँ। अब हम लोग कैंपस के अंदर एंट्री ले लिए हैं और मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा ओस मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ क्या कौन सी क्लासेस लगती हैं। और ये अपना दोस्त अभिषेक यादव है। हाय गाइस, ये भी फर्स्ट ईयर में है अभी। कुछ बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? बताना चाहूँगा ये कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, इंडियन लोग के लिए सूटेबल यूनिवर्सिटी है, मैनेजेबल है, सब अच्छी क्लासेज लगती है, टीचर सपोर्टिव है, सीनियर सपोर्टिव है। पैकेज भी जो है, पैकेज बहुत सही है। पैकेज आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर ईयर वेरी करता है, बढ़ती है, घटती है और इस बार तो नेक्स्ट आ गया है तो आप बेफिक्र होके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में भी करो तो भी देना पड़ेगा, नेक्स्ट आपको इधर से करो तो भी देना पड़ेगा, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और रही बात ये, आप यहाँ पे अलाई माउंटेन कई टूरिस्ट प्लेस है, आप घूम सकते हैं यहाँ पे। और मैं फोर्थ ईयर में हूँ ओस यूनिवर्सिटी में और कॉलेज के बारे में बात की जाए तो बहुत बहुत ही अच्छा कॉलेज है यहाँ पर, और प्रैक्टिकल क्लासेस और एवरी वीक टेस्ट और हर चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और जिसको मैं चाहता हूँ मोस्टली एडमिशन। अच्छा, बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे? बच्चे बहुत, मैं चाहता हूँ बहुत बच्चे आने चाहिए इंडिया से यहाँ पर। बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत ही अच्छा सेटलमेंट होता सबके लिए यहाँ पर। और क्लासेस किस तरह से लगती है आपकी? क्लासेज वीकेंड टेस्टेड सब कुछ हो तो बहुत मैनर्स में होता सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। टीचर मतलब कोऑपरेटिव है और इंडियन स्टूडेंट है यहाँ पे? इंडियन स्टूडेंट बहुत है, बहुत इंडियन स्टूडेंट, मतलब कोई बच्चा आए तो दिक्कत नहीं होगी उसको यहाँ पे? मिली उनका रहते हैं सब स्टूडेंट जितने भी हैं बहुत। थैंक यू भाई। थैंक यू sizlar kabi bahoy to xursandman. Practical classes hamari lagbhag sabhi lagti hai idhar. Ye main campus hai, yahan pe maximum classes lagti hai jaisa ki Abhishek ne bataya. Idhar hamare friend log thoda ghoom rahe hai aur ye apna tour hai, dekhiye pura campus ka. और मैं अब आपको बताऊंगा इंडियन कैंटीन भी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फॉरेन में आऊंगा तो यहाँ मुझे खाने को मिलेगा कुछ? जैसा कि ये अपना IMF बिल्डिंग है, यहाँ पे लगभग लेक्चर और प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। यहाँ पे लगभग 150-200 बच्चे बैठते हैं और यहाँ पे मतलब फैकल्टी जो इसकी A1 है, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्डिंग बहुत बड़ी है। मतलब ये ऑडिटोरियम है, यहाँ से आप जैसे इंटर करेंगे लेफ्ट साइड में इधर एक ऑडिटोरियम है, एक इधर है। और ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे आते हैं, आज संडे का दिन है इसी वजह से थोड़ी भीड़ कम है, क्योंकि मुझे अगर रिव्यू देना होगा तो संडे बेस्ट डे है क्योंकि बाकी सब दिन बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि लोकल भी आते हैं ना यहाँ पे। ये अपना आसपास का लोकेशन है, ये यूनिवर्सिटी एक्सपांड हो रही है अभी, तभी कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी आगे भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चालू है, यूनिवर्सिटी एक्सपांड होना चालू है। और बाकी अपना ये दूसरा है AWS, नई बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर हमारी PDI की क्लासेस, फिर गाइना और अपना बहुत सारे जितनी क्लासेस हैं अपकमिंग ईयर्स में, सेकंड थर्ड ईयर में ये सब अभी तो ये होगा, चालू नहीं हुई है लेकिन लगभग चालू हो जाएगी सेकंड ईयर से। और बाकी यहाँ पे मतलब बहुत साफ सफाई रखते हैं लोग, हमारे पाशा भाई। पाशा भाई, पाशा भाई इधर कहाँ घूम रहे हैं आप? इधर अभी हम कैंटीन के लिए आए थे। अच्छा, कैंटीन संडे है ना, यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है ना? बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इंडियन फूड मिल जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, समोसा आलू के पराठे ये सब सब मिलता है यहाँ पे, आप कोई बिल्कुल निश्चिंत होके आ सकते हैं बिल्कुल। और ये अपना कैंपस है और पाशा भाई के साथ हम लोग निकलते हैं कैंटीन।
जैसे कि मेरे पीछे आप एक दरवाजा देख रहे हैं और ये पूरा है, ये कैंपस है अपना लाइब्रेरी का। लोग सोचते होंगे कि हॉस्टल में रहना पहले साल कंपलसरी है, लेकिन आप लाइब्रेरी में आ सकते हैं, सैटरडे तक खुलता है और टाइमिंग होती है 8 से 5। कोई दिक्कत नहीं, के अंदर आपको बहुत शांति, लगभग 200-300 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आपको लग रहा होगा छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा लाइब्रेरी, देख सकते हैं अंदर से बहुत बड़ा है। हाँ, और हर किताब मिल जाएगी आपको यहाँ, पूरी इंटरनेशनल अपनी इंडियन किताबें भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप आएंगे जब मेरे जूनियर रहेंगे, तो कोई भी दिक्कत हो आप, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना खुद दे दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं किताबें रखी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना ये लोकल फॉरेनर जो होते हैं यहाँ के, मतलब यहाँ के लोकल पीपल, उनका ये कॉलेज है, यहाँ पे आते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो भी यहाँ के लोग ज्यादातर बीडीएस करते हैं लगता है। और अभी आपको मई जून में दिखाएंगे कैसा सीन रहता है, ये देख सकते हैं अपना पूरा कैंपस ऐसे दिखता है बिल्कुल। मई जून में पूरा एकदम हरियाली हो जाते हैं, देख रहे हैं पेड़ ओड़ के पत्ते गिर चुके हैं इस समय, और ये कुछ बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि आज संडे है तो आज मैक्सिमम लोग सोचते हैं सो लिया जाए, लेकिन मैंने सोचा अपनी ड्यूटी भी करनी जरूरी है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि ब्लॉक कब आएगा। आप देख सकते हैं इंडियन कैंटीन है ये रामू भैया की कैंटीन है। इसका आपको अगर नंबर चाहिए रामू भैया का कि कैसा खाना क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आप फोटो में समोसा, कचौड़ी, हलवा, गुलाब जामुन सब मिलता है यहाँ पे। और आपको एक अपनी एशिया कैफे है, यहाँ पे आलू के पराठे और चिकन बहुत अच्छा मिलता है, अगर आपको खाना हो तो ये भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला, आज संडे इसलिए मैं अंदर का टूर नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं किसी दिन और बनाऊँगा एक पार्टिकुलर वीडियो हॉस्टल का और उसका कैफे का। और ये भी एक है फूड एंड फन वाला, ये भी आज बंद है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको बिल्कुल इंडियन कोई भी नाश्ते की चीज़ें वो सब मिलेंगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मिथुन कृष्णा, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया तमिलनाडु, आई एम स्टडिंग रिसेंटली पोस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिस इज गुड कॉलेज, आई नो देयर इज नो, इज इट सेफ फॉर तमिलनाडु और साउथ पीपल? हां, वेरी सेफ। And what was the food you eat in hostel or in campus, like Indian canteen? Only Indian foods, available. North Indian foods or South Indian, same only. Same, you don't have problem. In toilet, you have which toilet, Western toilet? Indian toilet only, but it's good. I mean, D4 hostel, it's new hostel. D4, yeah, in D3 hostel, no shower, only Western toilet, and you put a... टॉयलेट पेपर एंड एक स्मॉल जग, बिकॉज मैनी पीपल आर अनेबल टू गिव, क्योंकि साउथ इंडियन की मेन प्रॉब्लम ये है कि वो बैठ नहीं पाते भाई, सावर उनको चाहिए, और इंडियन की भी यूपी बिहार, या बिकॉज मैनी पीपल्स आर इन आवर हॉस्टल आर पुट इट बॉथ लेग इन वेस्टर्न टॉयलेट। और ये जैसा है, नाम क्या बताया था भाई आपने? मिथुन कृष्ण। या विच ग्रुप? 23 है। या मैं इंडिया से आई हूँ, और तो यहाँ लड़कियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सभी खास करके सभी अच्छी जगह है, भी दिक्कत नहीं होगी, लड़कियों मतलब कभी भी बाहर जा सकती है, सेफ्टी भी है, और खाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरह से। और गर्ल्स हॉस्टल कैसा है यहाँ का? गर्ल्स हॉस्टल भी अच्छा है, और पूरा सेपरेट है कि सेफ्टी है, वो अच्छे से हमारे केयर टेकर है, और सिक्योरिटी भी है, और हमारे ख्याल भी रखते हैं। अगर इफ यू वांट टू जाना है आपको अगर बाहर, तो आप उनसे बोल कर जा सकते हो, एंड योर सीनियर्स भी आपको आएंगे तो कोई। और पूरा सेपरेट है ना गर्ल्स का हॉस्टल? सेपरेट है गर्ल्स के लिए, और आपको अगर दिक्कत आई तो यहाँ के क्लास टीचर आपको सीनियर भी हेल्प करेंगे, अबाउट एनीथिंग, मेडिकल, एनीथिंग, एनीथिंग, या आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी ट्रैवलिंग के लिए? ट्रैवलिंग के लिए भी वो मौसुकता होती है, हाँ, ट्रम्प होता है, तो तुम 10 रुपए में कहाँ भी जा सकते हो, एनी प्लेस। थैंक यू वेरी मच, दिस इज, हेलो, व्हाट्स योर नेम? राहुल राज। एंड योर? रंजीत चौहान। ये आप कॉलेज का कुछ रिव्यू देना चाहेंगे ऑडियंस को? कॉलेज मतलब बताइए भाई, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इंडियन हॉस्टल
और कॉलिंग घर पे बात हो जाती है आपकी? कॉलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन से ईयर में हो आप? थर्ड ईयर में। और आप? फोर्थ ईयर में। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ बच्चों को? नहीं है, आराम से आ सकते। और मम्मी पापा मतलब कॉलिंग में नेटवर्क पूरा? कोई दिक्कत नहीं है, नेट की स्पीड इंडिया से ज्यादा बेटर ही है। और बाकी कितना पैकेज पड़ता है पांच साल का अपना? करीब आपका देखिए पहला साल थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, छह तक जा सकता है, छह सात वो कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड करता है। बाकी फिर हर साल आपका 4.5 या 5 लाख के अंदर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और करीब आपको थर्टी तक बोला जाए तो आपका कम्प्लीट। हाँ हाँ, आना जाना सब लेके। और ये मिनिमम पैकेज आप वो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि हर साल वेरी करता है। कांटेक्ट कीजिए इनसे, काफी बढ़िया पैकेज दिलाए हैं, काफी 10-12 बंदे आए थे ये साल। तो आप ये बताइए कि यहाँ लड़कियों के लिए सेफ्टी है? बिल्कुल, बहुत बहुत सेफ्टी है। लड़कियों के लिए तो ज्यादा सेफ्टी है यहाँ पे। आपकी भी कई सारी फ्रेंड्स हैं फीमेल तो है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों लोग को ज्यादा सेफ्टी है कम्पेयर टू बॉयज। वुमेन एम्पायर है बिल्कुल, रात में लड़कियां ही ज्यादा घूमती हैं, लड़के नहीं घूमते हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छा जगह है। और आप कुछ और कहना चाहेंगे? और कुछ कहिए, यहाँ आएंगे टेंशन नहीं है, डिग्री वगैरह आपको मिल जाएगी, कोई डिग्री का ये बड़ा मेन। आप फोकस करिए नेक्स्ट पे, क्योंकि यहाँ सब हो जाता है। एक बात और अच्छी है यहाँ की, यहाँ पे 5-year कोर्स है। हाँ, इंडिया में 4.5 है, यहाँ 5-year कोर्स है, बिल्कुल एज इट इज सेम है, हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। और एक बात और, सबसे चीपेस्ट है यहाँ का पैकेज यूक्रेन और ये अपना रशिया का ही पार्ट है। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कहीं और कंट्री में जा रहा हूँ, ये रशिया के लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है यूक्रेन रशिया से और फिलीपींस से, बहुत ज्यादा बेटर है कम्पेयर टू कजाक ऑल्सो। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, सब बढ़िया है। इंडियन फूड मिल जाएगा, सिम वगैरह मिल जाएगा, नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हम सीनियर रहेंगे आपकी हेल्प कर दे दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कुछ भी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये अपना कैंपस है मेडिकल क्लिनिक का, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए। बाकी मैं पूरा आपको यूनिवर्सिटी टूर दे चुका हूँ, हॉस्टल टूर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम सीनियर रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिम मैं दिला दूंगा अपने, मेरी मतलब पूरा हेडेक रहेगा। और ये अपना कैंपस तो आप देख चुके हैं, अगर आपको हॉस्टल टूर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का आएगा। D3 हॉस्टल, मतलब मैं किस हॉस्टल में रह रहा हूँ, क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और हमारा भी चैनल है, यही हमारे मित्र हैं, इनका भी चैनल है रंजीत चौहान ब्लॉग, मतलब इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे भाई अपना मेरा सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इनका भी कर लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ कभी अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। रंजीत सर कैसे हो आप? सब बढ़िया भाई, बहुत बहुत स्टूडेंट लाए हैं इस साल। अब जैसा कि वीडियो लंबा है तो ये मत समझिएगा कि रिव्यू मैंने पूरा दिया है, बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।